भारतीय सेना की वीरता और शौर्य का प्रतीक है ये चिनाब वीरता स्तंभ, जिसको आज खुद जीओसी टाइगर डिवीजन की तरफ से इनॉग्रेट किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये मकवाल का इलाका है। तारीख 5 और 6 दिसंबर 1971 की दरमियानी रात, जहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन चिकन नेक को लॉन्च किया गया, और इसी ऑपरेशन के तहत इंटेंसिफाई जो ऑपरेशन था सेना की तरफ से लॉन्च किया गया, और 7 तारीख को चिकन नेक का पूरा इलाका जो था वो भारतीय सेना के कब्जे में था। ये प्रतीक है उस चीज़ का, चिनाब वीरता स्तंभ, जिसको आज खुद जीओसी की तरफ से इनॉग्रेट किया गया है। आपको बता दें कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ मकवाल का इलाका है, और इसी इलाके में जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई थी वो लड़ी गई थी, और ख़ास तौर पे ये पूरे इलाके में जिस इलाके को चिकन नेक कहा जाता है, और यहीं पर ऑपरेशन चिकन नेक को 5 और 6 की दरमियानी रात, दिसंबर का महीना और साल 1971 था, और इसी दिन जब भारतीय सेना ने लॉन्च किया, और 7 तारीख को सूरज की पहली किरण के साथ जो सेना थी उसने पूरी तरीके से चिकन नेक इलाके में अपना कब्जा जमाया। वहीं आज बॉर्डर के इलाके में यहां पर चिनाब वीरता स्तंभ को इनॉग्रेट किया गया है। खुद यहाँ पर जीओसी जो है टाइगर डिवीजन के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये वही इलाके हैं जहाँ पर जंग लड़ी गई थी। ना सिर्फ भारत ने 1971 में बांग्लादेश को पूरी तरीके से जीता था, उसको पाकिस्तान से पूरी तरीके से जीता था, बल्कि जम्मू में भी एक ऐसी जंग हुई थी पाकिस्तान के साथ, जिसमें पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी थी। और तस्वीरों में आप भारतीय सेना की वीरता शौर्य की एक गाथा जो है वो ये गाथा हुआ चिनाब वीरता स्तंभ, जिसको खुद बॉर्डर पर ही इनॉग्रेट किया गया है। पहली बार इस तरीके का जो स्तंभ है वो यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है।